वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों क्लास फिफ्थ के जो है मैथ्स की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, और कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें क्या दिया हुआ, लैक्स एंड करोड़। तो हमें क्या समझना है आज, लैक और करोड़। तो देखो आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि लैक कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, कह रहे वी एड वन द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर, ठीक है। अगर हम फाइव डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में क्या करेंगे, वन को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 1 लाख बन जाएगा। कैसे, आप काउंट करके देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख। तो ये क्या हो गया, 1 लाख। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइव डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में, यहाँ पे देखो फाइव डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो फाइव डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। अच्छा बच्चों ये आपको पता है कि वन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर्स क्या होता है, तो वन डिजिट के जो सबसे बड़ा नंबर होते हैं वो 9 होते हैं बच्चों। इसीलिए फाइव डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो ये है, ठीक है। तो ये मैं टेबल्स भी अभी आपको लिखवाऊंगा कि वन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन होता है और वन डिजिट का सबसे छोटा नंबर्स कौन होता है, ठीक। तो हमें क्या समझना है, पहले लैक को समझ लेते हैं, फिर वो टेबल भी हम देख लेंगे, ओके। अब देखो तो यहां बच्चों कह रहे हैं कि फाइव डिजिट के नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। और 1 लाख जो होगा बच्चों वो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब इसको हम टेबल से समझते हैं, जिससे कि आपको बहुत आसान से आएगा बच्चों और अच्छे से आप याद कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखो टेबल हमने बनाया आपके लिए, बहुत आसान सा है बच्चों, आप इसे पेंसिल से अपने नोटबुक में करना बच्चों। अब यहाँ पे देखो कह रहे 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या है, 9। तो ये आपके माइंड में आ रहा होगा, कैसे हुआ, तो देखो अगर आपको नंबर लिखते हैं तो क्या लिखते हो, 1 लिखते हो बच्चों, 2 है ना, 3 ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद क्या लिखते हो, 10। तो आप ध्यान दो थोड़ा सा, समझो इस बात को कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सभी में सबसे बड़ा, ये सब तो 1 डिजिट का ही, 1 डिजिट मतलब क्या, जिसमें एक नंबर होता है ना उनको हम लोग 1 डिजिट बोलते हैं, और जिसमें 2 नंबर होते हैं ना बच्चों उनको हम 2 डिजिट बोलते हैं। तो देखो यहां से लेके यहां तक ही तो 1 डिजिट है, तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, 9 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, इसीलिए हम 9 लिखते हैं, ठीक। और सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए देखो हमने यहाँ पे नीचे लिखा है 1 डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों, 1, ठीक है। अब अगर हम 2 डिजिट के देख ले तो देखो सबसे छोटा नंबर 2 डिजिट का क्या होगा, 10 होगा, ठीक है, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा, एंड सो ऑन जाते जाते 99 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर क्या हो जाता है, 10, और सबसे बड़ा क्या होता है, 99। इसीलिए हमने यहाँ पे देखो 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमने क्या लिखा, 99 लिखा। 3 डिजिट का बच्चों वही निकल के आ जाएगा, तो 999 हो जाएगा। 4 डिजिट का 9,999 आ जाएगा। 5 डिजिट का 99,999 हो जाएगा। 6 डिजिट का बच्चों, ठीक है, 9,99,999 हो जाएगा। और अगर 7 डिजिट का कहे 99,99,999, इसी तरीके से आप 8 डिजिट का भी निकाल सकते हैं, 9 डिजिट का भी निकाल सकते हैं, 10, आपके अकॉर्डिंग है बच्चों, आप जो निकालना चाहे निकाल लेंगे, ठीक। अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या, अभी बताया मैंने 1, 2 डिजिट का क्या होगा, 10, तो 3 डिजिट का क्या होगा बच्चों, 100 हो जाएगा। सिमिलरली 4 डिजिट का क्या हो गया, 1 पे 3 जीरो लिख दो आप, है ना। 5 डिजिट का क्या होगा बच्चों, 1 पे 4 जीरो आप लिख देंगे। 6 डिजिट का 1 पे 5 जीरो, और 7 डिजिट का है आपका तो क्या हो गया, 1 पे 6 जीरो लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका ये निकल के आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर।
तो आई होप बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर मतलब समझ में आता है सबसे छोटा नंबर, और लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो इन दोनों को आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो अब आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं बच्चों। आगे का कॉन्सेप्ट क्या रहा है, देखो क्या है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो अब हमें क्या समझना है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ये दो तरीके के चार्ट होता है बच्चों। एक होता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और दूसरा होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, जो हम पढ़ेंगे आगे के एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, देखो ये हमें कह रहा है कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पीरियड्स, मतलब इसको नंबर ऑफ पीरियड्स में क्या क्या बांट दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि वंस, थाउजेंड्स, लाख और करोड़, ठीक है। देखो वंस में बच्चों तीन कॉलम्स होते हैं ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, वन थाउजेंड, टेन थाउजेंड, वन लाख, टेन लाख, वन करोड़, टेन करोड़, ठीक। और इनके जो सिंबल्स है, ध्यान दो बच्चों, सिंबल मतलब क्या होता है, उसकी प्रतीक होती है, उनकी नोटेशन होती है ना, जिससे हम उनको पहचानते हैं। जैसे आपका नाम क्या है बच्चों, अगर मान लो अगर आपका नाम क्या है, मुकेश है, तो एम से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर आपका नाम निशा है तो एन से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या आपका नाम अखिलेश है तो ए से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसी तरीके से बच्चों वंस है तो वंस के सिंबल्स है, टेन है तो पहला लेटर लिया है, हंड्रेड है तो पहला लेटर्स टेन लिया है, तो वंस टेन थाउजेंड है, टेन थाउजेंड है बच्चों तो टेन थाउजेंड ले लिया है ना। यहाँ पे कह रहे हैं वन थाउजेंड तो वन थाउजेंड, यहाँ पे देखो टेन थाउजेंड है तो टेन थाउजेंड, वन लैख है तो वन लैख, टेन थाउजेंड, इस तरीके से। अगर बच्चों इसमें देखो कुछ वैल्यूज भी दे रखे हैं, अगर आपको कहते हैं वंस में कितने होते हैं, वन, टेंस हो गया बच्चों हंड्रेड है ना, वन थाउजेंड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बचाओ बच्चों मुझे कि वन थाउजेंड में कितने जीरो होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, थ्री जीरो। अगर आपसे पूछा जाता है कि टेन थाउजेंड में कितने जीरो होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, फोर जीरो, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है वन लाख में कितने जीरोज होते हैं, तो फाइव जीरोज बोलेंगे, ठीक। और अगर आपसे पूछता है कि टेन लाख में कितने जीरोज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बता देंगे। वन करोड़ में कितने जीरो होते हैं बच्चों, सेवन जीरोज होते हैं, और टेन करोड़ में कितने होंगे, एट जीरोज होंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको टेबल समझ में आया, आप इस टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को भी कर सकते, ठीक। चलिए अब दे रखा है एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है, और टेबल को भी समझ लेते हैं। तो देखो पहला एग्जाम्पल दिया है आपको, राइट द नंबर्स नेम फॉर ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। तो ये हमें न्यूमरल्स दिए हैं बच्चों, और इसका हमें क्या करना है, नेम्स लिखना है वर्ड फॉर्मेट में, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, तो ट्वेंटी एट लाख, फोर्टी थ्री थाउजेंड, फाइव हंड्रेड, सिक्सटी टू, यही इसी को वर्ड में इन्होंने लिख दिया है बच्चों, है ना, ट्वेंटी एट लाख, फोर्टी थ्री थाउजेंड, फाइव हंड्रेड, सिक्सटी टू, यही लिखा हुआ है। तो देखो इनको पढ़ने का जो है ना, आप यूनिट प्लेट से रीड करेंगे। जैसे बी पार्ट को देखते हैं हम लोग, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़, तो क्या हो गया बच्चों, फाइव करोड़, एटीन लाख, सिक्सटी नाइन थाउजेंड, फोर हंड्रेड थर्टी टू, इसी को इन्होंने वर्ड में बी में लिखा हुआ है बच्चों, फाइव करोड़, एटीन लाख, सिक्सटी नाइन थाउजेंड, फोर हंड्रेड थर्टी टू। उसी तरीके से बच्चों, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़, टेन करोड़, तो यहाँ क्या होगा, नाइन्टी फोर करोड़, थर्टी टू थाउजेंड, फिफ्टी सिक्स लैक्स, सॉरी थर्टी टू लैक्स, फिफ्टी सिक्स थाउजेंड, वन हंड्रेड सेवेंटी टू, ठीक है ना। इसी को सी में यहाँ पे लिख दिया है बच्चों, नाइन्टी फोर करोड़, सिक्सटी टू लैक्स, फिफ्टी सिक्स थाउजेंड, वन हंड्रेड सेवेंटी टू। इसी तरीके से बच्चों आपके डी भी है, डी में है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़, टेन करोड़, तो सेवेंटी सिक्स करोड़, थर्टी टू लैक्स, नाइन्टी फाइव थाउजेंड, वन हंड्रेड सिक्स, तो इसको वर्ड में आप फॉर्मेट देख सकते हैं आप, ओके। अभी में देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, तो सिक्स लैक्स,
सिक्स लैक्स हो गया बच्चों, ठीक है, सिक्स लैक्स इसमें हो जाएगा बच्चों वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, 64 लाख है बच्चों, सॉरी बच्चों, 64,15,089, इसी को वर्ड में यहाँ पे फॉर्मेट कर दिया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर, अगर एग्जांपल नंबर हम टू की बात कर लें तो टू में देखो थोड़ा सा गेम चेंज कर दिया। क्या गेम चेंज किया बच्चों, कि ये हमें पहले तो न्यूमरल फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा था, अब ये ऑलरेडी हमें न्यूमरल फॉर्म में दे दिया और हमें कह रहा है कि आप इन्हें क्या करें, वर्ड फॉर्मेट में लिखें, ठीक है, राइट द न्यूमरल फॉर्म में लिखिए, राइट द न्यूमरल्स ऑफ 9,64,30,699। देखो इसको हमने एक प्लेस वैल्यू चार्ट, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट अभी आपने बताया था मैंने आपको, तो उसी चार्ट से हमने यहाँ पे फिल किया। तो वन प्लेस पे हमने नाइन लिखा, नाइन 99 है ना, 99 लिखा, 6,099 उसके बाद हमने इस तरीके से अरेंज किया। आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, करोड़, है ना, जीरो, तो क्या हो गया बच्चों, है ना, लिखिए हमें 9,64,30,699, यही हमें दिया हुआ बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो अब हम इनके एक्सरसाइज को देखते हैं बच्चों, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे आपके एक्सरसाइज भी है, न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पे देखो वर्ड फॉर्मेट में हमें दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि न्यूमरल फॉर्म में बताइए, जैसे कह रहे 6,45,207। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल किया था बच्चों उसी के बेस पे था, तो मैंने इनको सॉल्व कर रखा है जिससे आप इनको आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इनको समझते हैं बच्चों, और बहुत आसान सा है, इनको थोड़ा सा हम समझते हैं इन डेप्थ में, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से आप इसको समझ पाएंगे, ओके, लेट्स सी। तो देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इनको थोड़ा सा हम कंपैक्ट करके समझते हैं। देखो यहाँ पे 6,45,207, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है बच्चों, जिससे कि टाइम कम लगे और आप ज्यादा, आपको मैं ज्यादा समझा पाऊं, ओके। तो देखो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, करोड़, तो 6,45,207 वही है यहाँ बच्चों। बी में देखो कह रहे 3,03,289, ठीक है, तो देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, 3,32,089, यही चीज है बच्चों। सी में बच्चों क्या है, 93,41,08,035, तो वही हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया बच्चों, ठीक है। डी का आप यहाँ पे डी का मेंशन कर सकते हैं, ई का, ई का मेंशन कर सकते हैं, आसानी से, बहुत मजे से समझ में आ रहा होगा बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको सॉल्व करके, ठीक है बच्चों। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन में है बच्चों कि हमें दे रखे राइट द नंबर्स नेम फॉर द फॉलोइंग्स, ठीक है, हमें इसके नंबर्स वर्ड फॉर्मेट में दे दिया इस फॉर्मेट में, और इनमें कह रहे वर्ड फॉर्म में बताइए, तो आप लिख लेंगे बच्चों आसानी से, देख लो कह रहा है 20,21,10,100,10,000,23,45,226, राइट। बी में है बच्चों 9 करोड़, है ना, 9,53,28,53,28,948, ये सब आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा बच्चों, आप कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, करोड़, तो 5,09,866, और डी में क्या है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, करोड़, 5,48,26,500 बच्चों, और डी में देखो क्या है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, करोड़, 10 करोड़, 43,56,926। अगर आप इनको वर्ड फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहे होंगे या लिख पा रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं लिख पा रहे हैं
तो आपके लिए मैंने ये आप बना रखे हैं। आप चाहे तो यहां से भी कॉपी करके आप लिख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम इनको समझते हैं। तो देखो पहले हमने लिखा दिया था बच्चों, फर्स्ट के ए पार्ट का ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, बी पार्ट के ये जो हमने वर्ड बोल दिया बच्चों, सी में देखो 5,09,9,863, डी में आपको कह रहे 5,48,26,500, ई में बच्चों 43,56,93,206, राइट। तो ये बच्चों है आपके सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स। तो ये आपको क्या था बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 इसी के साथ क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को बच्चों आप अच्छे से एक स्माइल के साथ अपने आप से रिवीजन कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको बच्चों बहुत ही मजे आएंगे, ठीक है। आप इनको अच्छे से याद करें और ये जो हमने आपको टेबल बताया बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर का और लार्जेस्ट नंबर का, ये जरूर से याद कर ले बच्चों, ठीक है। आपको ये क्लास में पूछा भी जाएगा, आपको कहीं भी जाएंगे तो आपको इनसे पूछा भी जाता है। और इससे पीछे के चैप्टर्स अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो उसके भी वीडियोस मैंने बना रखा है बच्चों, आप उनको भी आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपके जो एग्जाम्स होंगे, आपके जो टेस्ट होंगे, उसमें आप अच्छे से ज्यादा मार्क्स ला पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर्स।